महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर योग के आदि गुरु, योग के आदि प्रवर्तक, योग के जनक, देवों के देव महादेव की आराधना, साधना, ध्यान, पूजा, व्रत, त्योहार के इस विराट पर्व पर आप सभी साधकों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ब्रिज मोहन योग केंद्र की ओर से सभी को योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन करने की अपील करते हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आइए सभी ध्यान में बैठ जाइए, मेरुदंड को सीधा करिए, तीन बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। एक साथ सभी लोग सांस भरेंगे।
शिवोहम शिवोहम का, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए आप सभी आज 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के इस पवित्र और पावन बेला पर लगातार प्राणों की आराधना करते जाइए। खूब सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग, कंधे को ऊपर की ओर उठाइए और पूरे ताकत के साथ सांसों को बाहर की ओर छोड़ दीजिए। आंखों को बंद करिए, पूरी पवित्रता एकाग्रता तन्मयता के साथ आज हम इस महापर्व पर, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ध्यान के साथ अभ्यास कर रहे हैं। यह जो आप देख रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम का, ये विराट और विशालतम स्वरूप है। इसमें सांस को भरते हुए शिवोहम शिवोहम का जाप भी हो रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रहे हैं और प्राणों को मजबूत करने की इस कला को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। पैरों के अभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाने का, एक एक अंगों को कैसे हम स्वस्थ बनाएंगे, कैसे उसे हम निरामय बनाएंगे, सारे अभ्यासों को 2 से 3 बार कर लीजिए और सीधे बटरफ्लाई में आ जाइए। बटरफ्लाई का अभ्यास लगातार करिए, करते ही जाइए, 10 से 15 बार कर लीजिए। पीठ को एकदम सीधा रखिए तान करके और केहुनी को पंजरी में सटाने का प्रयास करते हैं और गर्दन सीधी हमारी ओर सामने देखते हैं, गर्दन को झुकाते नहीं हैं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। आज हम अपने शरीर के अंदर के सारे बीमारियों को दूर करने का संकल्प लीजिए। हे परमात्मा, हे भगवान शिव, हमारे भीतर के तनाव, क्रोध, बीपी, शुगर, लकवा, कैंसर, दर्द जो भी है हमारे अंदर, सभी व्याधियों को आज हम शरीर से दूर करने का मानसिक जप करते हुए इन अभ्यासों को करिए। अब दोनों हाथों को आगे कर लीजिए, हाथों का अभ्यास शुरू कर दीजिए। बस 3-3 बार ताकत के साथ करिए, पावर के साथ करना है, लुंज पुंज अवस्था में नहीं करिए अभ्यास। गोल गोल घुमाइए, सांस भरिए, सांसों की आवाज आनी चाहिए। फिर यहीं से हाथों को मोड़ दीजिए, यहीं पर पीठ की तरफ ले जाइए हाथों को, फिर हाथ को साइड में खोलिए। हाँ हाँ ठीक है, साइड में खोलिए और ऊपर की ओर ले जाइए, आसमान की तरफ टच कराइए हाथों को। फिर हाथों को आगे करिए और इस प्रकार से खोलिए।
केहनियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरे पीछे की तरफ जाने दीजिए केहनियों को, 5-5 बार इसको कर लेंगे और फिर इसे उल्टा कर लीजिए। अब हाँ, जैसे आप कर रहे थे उसके ठीक विपरीत कर लीजिए। अब सांसों के साथ करिए, एकाग्रता के साथ करिए, पवित्रता के साथ करिए और दोनों केहनियों को ठीक कंधे के बराबर रखिए और सांसों को भरते हुए और छोड़ते हुए इस अभ्यास को दोहराते रहिए। अगले अभ्यास में हम दोनों हथेली को पीछे लगाते हैं माथे के पीछे, इसको भी 10 बार कर लेंगे। सांस पूरा भरिए, क्योंकि जब तक प्राण नहीं भरिएगा तब तक आपके अभ्यास के कोई विशेष फायदे नहीं उठा पाएंगे आप। जब 10 बार हो जाए तो 10 बार दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और शक्ति के साथ करिए इसको। लगे कि मैं कोई अद्भुत चीज को ऊपर से खींच करके अपने पास धारण कर रहा हूँ और अपने विकारों को ऊपर उछाल रहा हूँ, फेंक रहे हैं, क्योंकि बुरे चीज़ों को ही फेंकने की परंपरा है, अच्छे चीज़ों को धारण करने की परंपरा है। इसलिए हाथ उठाइए तो फेंकिए और ऊपर से मुट्ठी बांधते हुए ले आइए शुभ चीज़ों को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर धारण करिए और लगातार इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। हाँ, गर्दन का अभ्यास कर लीजिए, ऊपर नीचे 3-3 बार, फिर बाएं दाएं। फिर कान को ऐसे बाएं दाएं सटाते हैं 3-3 बार, फिर यहीं से कान को तिरछा ऐसे देखते हैं, अपने पीठ की तरफ कंधे की ओर देखते हैं। फिर गर्दन को गोल गोल घुमा लेते हैं, सावधानी को ध्यान में रखते हुए बहुत तेजी तेजी से गर्दन नहीं घुमाएंगे, गोल गोल आराम आराम से घुमाएंगे। गर्दन का अभ्यास बहुत सूक्ष्म रूप से करना चाहिए। आप सभी को ब्रिज मोहन योग केंद्र की ओर से बहुत बहुत महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सब से निवेदन और अपील कि एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे ताकि यह योग की गंगा को, योग की पावन धारा को जन जन तक, घर घर तक हम ले जा सके, पहुंचा सके और घर को, देह को दिवालय, देवालय और शिवालय बनाया जा सके और सभी लोग निरामय होकर के 100 साल तक सतायु जीवन को प्राप्त हो सके, ऐसी शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।